गुड आफ्टरनून गाइस, आप सभी का स्वागत है रसायनम चैनल पे और मेरा नाम है विकास चौहान और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि नीट एग्जामिनेशन में और एम्स के एग्जामिनेशन में आ रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि इसमें हम क्लास 11 की पूरी सीरीज चला रहे हैं जिसमें ऑलरेडी चैप्टर फर्स्ट हो चुका है पूरा। तो आप इस पूरे चैप्टर की रिकॉर्डिंग्स एक बार देखिएगा और आप इस वीडियो को तब तक यहाँ पे क्वेश्चंस करने की कोशिश करिए जो जो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और सब सुरक्षित होंगे। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। ओके हेलो गुड आफ्टरनून। चलिए एक मिनट रुकते हैं, कुछ बच्चे ज्वाइन कर लेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर को। आज बेसिकली हमको सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं नीट के, तो आप लोग तैयार हैं इसके लिए? तो आप लोग तैयार हैं इसके लिए? चलिए आवाज ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे जो क्वेश्चंस की बात हम करते हैं तो 2020 के पेपर में आई थिंक कोई क्वेश्चन इसमें मुझे मिला नहीं। 2019 के थ्रू मेरे को कुछ क्वेश्चंस मिले हैं, 19 से हम प्रीवियस ईयर तक जाएंगे और फिर उसके बाद लास्ट में कुछ एम्स के भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ज्यादातर क्वेश्चंस का अगर आप फॉर्मेट देखोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आप देंगे जो एनसीईआरटी है उसी के ऊपर बेस्ड है, तो एनसीईआरटी ही आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पे हम कहते हैं कि इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको इतना तो आइडिया आ जाएगा कि इस चैप्टर में कितने डीप क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कौन कौन से पोर्शंस आपको ज्यादा पढ़ने हैं, कौन कौन से पोर्शन को आप छोड़ सकते हैं, इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज इस लेक्चर को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। देखिएगा आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाँ एक चीज और, आप क्या करेंगे आंसर को साथ साथ देते जाइएगा कमेंट बॉक्स में, जैसे अगर मैं बोलता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तो आप क्वेश्चन नंबर वन के साथ ऑप्शन लिखना, ठीक है। जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप आंसर कैसे लिखोगे, आपको आंसर लिखना है क्वेश्चन वन और जो भी ऑप्शन होगा जैसे कि ऑप्शन बी है तो इस तरीके से आप आंसर लिख दीजिएगा ताकि मुझे आइडिया आ जाए कि आपने किस चीज का आंसर दिया है, ठीक है। ट्राई करिए क्वेश्चंस के आंसर करने की क्योंकि ये आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करवाएंगे क्वेश्चंस। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये आज का फर्स्ट क्वेश्चन है और मैक्सिमम इसमें टाइम लेंगे 30 सेकेंड्स, ठीक है, 30 सेकंड का टाइम मैं आपको दे रहा हूं, उसमें 30 सेकंड में आपको ये कर देना है। हेलो अर्जुन गुड आफ्टरनून, अंजलि हेलो गुड आफ्टरनून। चलिए ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, ये आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जनरली इन अ पेयर यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इन टैक्सोनॉमी की आर रेफर्ड टू एज। अब जो ये क्वेश्चन है देखो टैक्सोनॉमिकल पेयर्स के ऊपर पूछा गया है जिसका नाम की है। इसके बारे में आपको बताया था कि जो की होता है उसके ऊपर ये क्वेश्चंस पूछा गया है, तो आप एक बार इसको ट्राई करिए और आंसर करने की कोशिश करिए। ओके शिवम कुमार ने बोला है डबलेट और अंजलि ने आंसर दिया है कपलेट, ठीक है, दो बच्चों ने ऑप्शन सी बोला है, इसके अलावा और कोई आंसर? चलिए सॉल्यूशन करें इसका। ओके ऑप्शन सी। एक बार आप उस एनसीईआरटी के टेक्स्ट को पढ़िए जो मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, देखो एग्जैक्टली वही आया हुआ है अगर आपको याद होगा। देखो एग्जैक्टली एनसीईआरटी का ये स्टेटमेंट उठाया है जो मैंने आपको उस दिन पढ़ाया था, क्या बोला गया देखो, द कीज आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट, ठीक है, तो नोट्स भी मैंने आपको उस दिन लिखवाए थे, तो वही क्वेश्चन यहाँ पे आ रखा है। आंसर क्या होगा इसका, इसका आंसर होगा यहाँ पे कपलेट, दैट इज ऑप्शन सी। तो इसमें क्या होता है, कपलेट का मतलब क्या है, देखो जैसे दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि आप एक प्लांट की बात करते हैं, प्लांट में दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स दिए हैं, या तो प्लांट टॉल है या प्लांट ड्वार्फ है, ठीक है, प्लांट टॉल है या ड्वार्फ है, ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं। अब इस पेयर को आप क्या बोलते हैं, जो ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का जो पेयर है
इस पेयर को आप कहते हैं कपलेट, ठीक है, इसको कपलेट कहा जाता है। सो द आंसर यू विल सी इज द कपलेट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर सेकेंड और ये भी 2019 में ही पूछा गया है, इसको ट्राई करिए आप। टाइम लिमिट आपकी 30 सेकेंड है, बस 30 सेकेंड में आंसर देना। ये भी कराया हुआ क्वेश्चन है, हां जी ये नीट के क्वेश्चन है, ये 2019 में आया था नीट में, इसको ट्राई करिए। ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा, देखो ऑप्शन काफी क्लोज है, बहुत क्लोज ऑप्शंस हैं, एकदम से तुक्का मत मार देना, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। चलिए तो दो बच्चों ने आंसर दिया है, पूनम शर्मा ने बोला है ऑप्शन बी, आशुतोष ने बोला है ऑप्शन बी, शिवम कुमार ने ऑप्शन सी बोला है। चलिए आंसर देखते हैं इसका। अब ये जो क्वेश्चन है वो ये भी पूरा का पूरा एनसीईआरटी का ही है, इवन एग्जांपल जो भी यहां दिया है ये भी एनसीईआरटी का एग्जांपल है। तो आप देखो सबसे पहले की बात करते हैं, मैंजिफेरा, ठीक है लिखा सही है, इंडिका भी सही लिखा है, लेकिन ये जो बीच में कैरोलस वर्ड दिया गया है, कैरोलस ये वर्ड यहां पे नहीं आना चाहिए, ठीक है ये वर्ड यहां पे नहीं आना चाहिए था। दूसरा देखिए, मैंजिफेरा भी ठीक है, इंडिका भी ठीक है, और ऑथर का नाम लीनियस, लीनियस यहां पे ऑथर का नाम है, इस वे में आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ऑप्शन बी इसका ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मैंजिफेरा इंडिका, जो बच्चे ऑप्शन सी कह रहे हैं, एक चीज याद रखना, जब भी आप साइंटिफिक नेम प्रिंट फॉर्म में पढ़ते हैं, प्रिंटेड फॉर्म में ये हमेशा इटैलिक्स में लिखा जाता है, ठीक है ये हमेशा इटैलिक्स में लिखा जाता है, ये रोमन में लिखा है, इटैलिक्स में नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन गलत होगा, कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने दिया हुआ था। अगला देखो चौथे में, मैंजिफेरा इंडिका, इंडिका में देखो आई स्पेसिफिक एपिथेट का जो फर्स्ट अल्फाबेट होता है वो हमेशा स्मॉलर होता है, देखिए इसमें भी स्मॉलर है, इसमें भी स्मॉलर है, इसमें भी स्मॉलर है, कैपिटल कैसे हो सकता है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत होगा। सो आंसर इसका होगा दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज मैंजिफेरा इंडिका, और लिन यहाँ पे लीनियस के लिए कहते हैं, कैरोलस लीनियस जो इसके ऑथर हैं, ठीक है उन्होंने इसको दिया था, तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, ठीक है। ये क्यों गलत है याद रखना, जब भी क्वेश्चन आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिलता है तो साइंटिफिक नेम हमेशा इटैलिक्स में लिखा जाता है। अगला देखिए, ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आया आपको 2018 से, ठीक है ये 2018 का क्वेश्चन है नीट के, ध्यान से पढ़िए सारे ऑप्शंस, जल्दबाजी नहीं करना है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आधा पार्ट यहां है आधा पार्ट हुआ है, इसको रीड करिए एक बार। हो गया, चलिए नाज ने ऑप्शन दिया है बी, ओके आशुतोष पाल ने बी बोला है, सब आंसर करिए एक बार। ठीक है ऑप्शन नंबर बी करें इसका सॉल्यूशन।
हाँ हमने दो क्वेश्चन कर लिए फैजा खान, ठीक है, अंजलि ने भी बोला है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका, ताकि बच्चों ने आंसर कर दिया है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम चलते हैं हर्बेरियम के ऊपर, ठीक है। हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम में आप प्लांट्स के स्पेसिमेन को ड्राई और प्रेस करके प्रिजर्व करते हैं, उसको हर्बेरियम कहा जाता है। तो एक बार हम ऑप्शंस को रीड करें, तो इसमें आप देखोगे ऑप्शन थर्ड देखो, इट इज अ प्लेस वेयर ड्राई एंड प्रेस्ड प्लांट्स स्पेसिमेन माउंटेड ऑन शीट्स आर कैप्ट। दैट मींस जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए का मैच थर्ड होगा, ऑप्शन ए का मैच थर्ड होगा। अब थर्ड देखो दो में ही है, इस वाले में है और इस वाले में, मतलब ये वाला और ये वाला, तो बिना देखे आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट बात करते हैं की, बी के बारे में चलते हैं की के ऊपर। अब की क्या होता है? की में आपको अल्टरनेट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स दिखते हैं। अब बुकलेट कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स एंड देयर अल्टरनेट्स व्हिच आर हेल्पफुल इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टेक्स्ट। अल्टरनेट कैरेक्टर्स याद है, जैसे मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, कपलेट कह रहे थे जिनको, है ना, अल्टरनेट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जिनको कपलेट कहा जाता है, वही यहां पे कहा जा रहा है। दैट मींस बी का ऑप्शन हो जाएगा फोर, बी का ऑप्शन हो जाएगा फोर। तो बाकी तो रीड करने की जरूरत ही नहीं थी, बाकी ऑप्शन तो रीड करने की जरूरत ही नहीं थी, साथ ही आप डायरेक्टली आंसर देंगे, बी इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे भी हम देख लेते हैं। इसके अलावा जो म्यूजियम होता है, म्यूजियम में क्या होता है? म्यूजियम में ये एक ऐसी प्लेस है जहां पे आप प्रिजर्व्ड प्लांट्स और एनिमल्स को रखा जाता है, ठीक है, उनके स्पेसिमेन को रखते हैं। सी का वन हो जाएगा और कैटलॉग वाला लास्ट में टू हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इसको देखिए, ये क्वेश्चन है 2016 का, नीट 2016 का क्वेश्चन है। इसको करिए, पहले ध्यान से पढ़िए एक लाइन को, गलत एकदम से मत टाइप कर देना, पहले रीड करो आंसर को ढंग से। ओके चलो मैं आंसर रीड करता हूं आपके। नाज ने ऑप्शन बी बोला है और अंजलि ने ऑप्शन ए बोला है, आशुतोष ने भी ऑप्शन ए बोला है, ठीक है जी, शिवम कुमार ने ऑप्शन डी बोला है। चलिए आंसर देखें इसका। जो लोग ऑप्शन ए बोल रहे हैं, क्या आप लोगों ने पुराना लेक्चर देखा था मेरा? जो बच्चे ऑप्शन ए कह रहे हैं, क्या आप लोगों ने नॉर्मल क्लेचर वाला लेक्चर देखा था मेरा? प्लीज आंसर। ठीक है, नाज ने देखा था, चलिए नाज ने देखा था। जिन्होंने ऑप्शन ए अटेम्प्ट किया है वो बताइए एक बार। अच्छा अंजलि आपने देखा था, चलिए तुक्का तो नहीं मारे अंजलि ने, ऑप्शन ए बोला है, मतलब तुक्का मार रहा है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि ए ऑप्शन तो अटैक करने का था ही दूर दूर तक। क्वेश्चन आपको यहां पे पूछा गया है किसके ऊपर, नॉमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स, ठीक है, इसमें कुछ रूल्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी का मतलब समझते हो? कॉन्ट्ररी का मतलब होता है कि आपको इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है, तो इनकरेक्ट ऑप्शन बताना था, करेक्ट वाले नहीं बताने थे। तो देखो पहला ऑप्शन, द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस एंड द सेकंड इज स्पेसिफिक एपिथेट। बहुत इजी है ये, तो मैंने आपको कराया भी था। जैसे कि जो मैंजीफेरा इंडिका होता है, जब आप मैंजीफेरा इंडिका लिखते हो, तो इस मैंजीफेरा इंडिका में जो मैंजीफेरा होता है ये जीनस होता है और इंडिका स्पेसिफिक एपिथेट होता है। तो ऑप्शन ए ट्रू है, ऑप्शन ए इज ट्रू। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन बी, द नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड आर इटैलिसाइज्ड, बिल्कुल सही है,
ठीक है। हाँ करेक्ट नहीं करना था, कॉन्ट्ररी का मतलब होता है रॉन्ग। तो दूसरा देखो ये भी सही है, जो आप इसको इटैलिक्स में लिखते हैं ठीक है, जनरली जब इसको प्रिंट किया जाता है इटैलिक्स में किया जाता है, ये लैटिन ऑरिजिन के होते हैं, ये ऑप्शन भी ट्रू है, बी ऑप्शन भी ट्रू हो जाएगा। थर्ड देखिए, व्हेन रिटन बाय हैंड द नेम्स आर टू बी अंडरलाइन, ये तो बिल्कुल सही लाइन है, जब भी आप इसको लिखते हैं तो हमेशा इसको अंडरलाइन जरूर करते हैं, अंडरलाइन इसको किया जाता है। और लास्ट में देखो, बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, ऐसा नहीं होता है, बायोलॉजिकल नेम्स को आप हमेशा, जैसे यहाँ पे पहले ऑप्शन में बोला गया है, इसको किसमें लिखा जाता है, लैटिन या फिर लैटिन लैंग्वेज के होते हैं, किसी भी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते आप इसको, जनरली कैसे होते हैं, लैटिन के होते हैं। तो देखो ये दोनों ऑप्शन तो कॉन्ट्ररी थे, इनमें से एक ही आपको पिक करना था, तो ऑप्शन जो बी है ये इनकरेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन बी इनकरेक्ट है, यही आपको इसमें बताना था। ओके, आपका नाम नैन्सी है, आशुतोष पाल लिखा है ना, आपकी चले। तो ये रूल्स मैंने आपको पढ़ाए थे, मैं आपको एक बार रूल्स दिखा देता हूँ, काम नहीं पढ़े थे, ये वाला ऑप्शन आपने यहाँ देखा। Let me show you the rules. एक बार देखिएगा, just एक मिनट के लिए। I think वाली स्लाइड मिलने दे इसमें। चलिए बाद में देख लेंगे। लेकिन नॉर्मल क्लेचर है, पूरा मैंने लेक्चर दिया था। चलो ये अगला क्वेश्चन, इसको ट्राई करिए। क्वेश्चन 2013 का है, ट्राई करिए इसको। पहले अच्छे से रीड करना, पूछा क्या गया है इसमें। करेक्ट इनकरेक्ट ये चीज आप जरूर देखिए पहले। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ करेक्ट स्टेटमेंट, नॉट आ करेक्ट स्टेटमेंट, ये बताना। द बॉटनिकल गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस, अ म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, की इज अ टैक्सोनॉमिक एड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेंस, हर्बेरियम हाउस ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेंस। चलिए, नाज ने भी आंसर दे दिया है और नैन्सी पाल ने भी आंसर दे दिया है, बाकी बच्चे भी आंसर दीजिए, ट्राई करिए सब। 30 सेकंड्स मैक्सिमम लगेंगे, अच्छे से पढ़ा तो 10 सेकंड में भी आंसर हो जाएगा सर। चलिए, पूनम शर्मा ने भी ऑप्शन बी बोला है, ठीक है। हाइपर गेमिंग M24 ने भी ऑप्शन बी बोला है। So, सभी ने आंसर सही दिया इस बार, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, आपने सही आंसर दिया इस बार। ऑप्शन बी देखो क्या है, अ म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स, क्या म्यूजियम में फोटोग्राफ्स होती है, म्यूजियम में एनिमल और प्लांट के स्पेसिमेंस होते हैं, फोटोग्राफ थोड़ी होती है वहां पे, जैसे डायनासोर का स्पेसिमेन होता है, किसी प्लांट का स्पेसिमेन होता है, किसी एनिमल का स्पेसिमेन होता है, वहां पे स्पेसिमेंस को रखा जाता है जो मर चुके हैं, ठीक है। फोटोग्राफ्स को रखोगे तो वो तो एक फोटोग्राफ स्टूडियो बन जाएगा, है ना, म्यूजियम क्यों कहलाएगा, फोटोग्राफ देखने नहीं जाओगे वहां पे, तो फोटोग्राफी देखनी है तो वो तो मोबाइल में भी देख सकते हो ना, तो म्यूजियम में आप एक स्पेसिमेन को रखते हो, तो ऑप्शन बी यहां पे इनकरेक्ट होगा, मींस इसका आंसर ऑप्शन बी है, ठीक है। बाकी तो ऑलमोस्ट सारे सेम है, देखो बॉटनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट्स को रखा जाता है, ये तो सही है बिल्कुल। की का यूज हम आइडेंटिफिकेशन में करते हैं, ये भी अभी तक आप पढ़ते हुए आ रहे हो। लास्ट देखिए, हर्बेरियम में आप स्पेसिमेन को ड्राई करते हैं, प्रेस करते हैं और प्रिजर्व करते हैं, ये ऑप्शन भी सही है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब इसको करिए, ये भी 2013 का है, ट्राई करिए। अब इसमें देखते हैं आप कितना दिमाग लगाते हैं। ये भी एनसीईआरटी का ही है। ओके, नाज ने आंसर दे दिया है ए एंड आशुतोष पाल ने आंसर दिया है ए, शिवम ने बी दिया है, ठीक है। अंजलि ने भी ए दिया है आंसर,
करें इसका आंसर। इमरान हाशमी को मांगे, ठीक है। चलिए अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर कर लिया पहले तो। टोमेटो और पोटैटो इनका साइंटिफिक नेम बताइए मेरे को। तो टोमेटो और पोटैटो का साइंटिफिक नेम जल्दी से टाइप करिए फटाफट। यार हिंदी में प्रोवाइड करूंगा ना तो उसमें क्या होगा, हिंदी में डबल मेहनत लग जाएगी। इंग्लिश में करवाया, ट्राई इंग्लिश में करके देखिएगा। आप हिंदी मीडियम से हो क्या? What is the scientific name of potato and tomato? क्योंकि अगर आपको scientific name पता है ना तो आंसर वही मिल जाएगा इसका सॉल्व। ठीक है, अंजलि ने आंसर दिया सोलेनम ट्यूबरोसम, इमरान ने थोड़ी सी स्पेलिंग गलत लिखी है। चलो मैं आंसर बताता हूं। देखो अगर आप पोटैटो की बात करेंगे तो पोटैटो का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है। और टोमेटो इसका जो साइंटिफिक नेम होता है सोलेनम मेलोमिना, ठीक है, सोलेनम मेल, अच्छा सॉरी 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 लाइकोपर्सिकम, वेट वेट वेट, ये तो उसका होता है ब्रिंजल का, ठीक है, ये ब्रिंजल का होता है और इसका लाइकोपर्सिकम होता है, ठीक है, ये मेलोमिना ब्रिंजल का होता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं इनमें एक चीज जो कॉमन आपको मिल रही है वो इनका जीनस मिल रहा है, और इनका जो जीनस है वो क्या है, सोलेनम है, ठीक है। इनका कॉमन जीनस क्या है, इनका कॉमन जीनस होता है सोलेनम। तो इसमें जो कॉमन कैरेक्टर में देखा जाता है वो हो जाता है दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज सोलेनम, ठीक है। इजी पीजी, काफी इजी क्वेश्चन था। तो इसमें आपको दोनों में कॉमन कैरेक्टर बताना था, वो इनके जीनस का था, आंसर हो जाएगा सोलेनम। ये कर लिया। बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से रीड करिएगा, जल्दबाजी मत करना। चलिए शिवम ने आंसर दिया है ए, ठीक है, नाज ने आंसर दिया है बी, इमरान ने आंसर दिया है बी, बाकी बच्चों के आंसर दीजिए जल्दी जल्दी, दो आंसर, 30 सेकंड्स मैक्सिमम देने आपको इनमें। ओके नैन्सी पाल ने आंसर दिया है बी, चलो सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, 30 सेकंड्स हो चुके हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, म्यूस्का डोमेस्टिका, इट इज अ कॉमन हाउस लिजर्ड, ये लिजर्ड नहीं है, ये कॉमन हाउस फ्लाई होती है, कॉमन हाउस फ्लाई, ठीक है, कॉमन हाउस फ्लाई, तो ये तो गलत है। अगला देखिए, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो प्लाज्मोडियम होता है ये क्या कॉज करता है, मलेरिया कॉज करता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम इट इज अ प्रोटोजोअन पैथोजन कॉजिंग द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया, ये मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। सी देखो, फैलिस टाइग्रिस, ये टाइगर का नाम है क्या, फैलिस टाइग्रिस, टाइग्रिस थोड़ी था, उस जो टाइगर होता है वो होता है पैंथेरा टाइग्रिस, ठीक है, पैंथेरा टाइग्रिस, तो ये तो गलत ही था। डी देखो, ई कोलाई, इसकी फुल फॉर्म एंटामीबा कोलाई, नहीं जी, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एस्करिशिया कोलाई,
एस्क्रीशिया कोलाई, एस्क्रीशिया कोलाई होती है इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गलत रहेगा। तो ई कोलाई होता है एस्क्रीशिया कोलाई, यहां पे एंटामीबा कोलाई बोला गया था, ये गलत था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका दैट इज ऑप्शन बी, प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया कॉज करता है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए 2011 का क्वेश्चन है ये सीबीएसई मेंस का। Which one is exclusive characteristic of living beings? Living beings का एक exclusive character बताइए। जिसने एनसीईआरटी पढ़ी है, जिसने मेरा लेक्चर अटेंड किया है, आराम से कर लोगे आप इसको। ये मैंने बहुत चिल्ला चिल्ला के बोला था कि एक्सेप्शन क्या होते हैं, एक्सक्लूसिव कैरेक्टर क्या होते हैं, वो मैंने आपको उस दिन बताया था। देखो उसमें क्वेश्चन भी आ रहा है। ठीक है चलो आंसर देखते हैं इसका, ठीक है। बाकी बच्चे आंसर दे रहे हैं, अंजलि ने भी आंसर दे दिया, ठीक है। सी सी सी, काफी बच्चों ने सी ही दिया। तो जिन्होंने ऑप्शन सी बोला है वो बिल्कुल सही है, इट इज एग्जैक्टली करेक्ट। आंसर देखते हैं सी क्यों है वो समझते हैं। अच्छा देखो, इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड, इसको आप कहते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ, ठीक है, इसको कहा जाता है इंट्रिंसिक ग्रोथ। दूसरा देखिए, इंक्रीज इन मास फ्रॉम बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड, बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड के लिए बोल रहे हैं। तो आउटसाइड तो एक्सट्रिंसिक होता है, आउटसाइड के लिए आप एक्सट्रिंसिक कहते हैं, तो ये भी एक ग्रोथ ही है। अच्छा अगर आपको याद होगा पहले लेक्चर में बताया था ग्रोथ जो होती है वो एक्सक्लूसिव कैरेक्टर नहीं होता है, क्योंकि ग्रोथ के ना एक्सेप्शंस होते हैं। ग्रोथ का एक्सेप्शन क्या होता है, जैसे कि जो माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन भी ग्रो करते हैं, तो ये कोई एक्सक्लूसिव कैरेक्टर नहीं होता है। तो ऑप्शन ए भी गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है। प्रिसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन एनवायरमेंट एंड देयर मेमोरी, इवेंट्स हैपनिंग इन देयर एनवायरमेंट, ये समझ रहे हो, ये स्टिमुलस के लिए कह रहे हैं, और स्टिमुलस जिसको आप कहते हैं कॉन्शियसनेस, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉन्शियसनेस होती है, वो स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स देते हैं, तो ये कैरेक्टर लिविंग का एक एक्सक्लूसिव कैरेक्टर होता है, एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है। नेक्स्ट देखिए, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकरिंग इन विट्रो, अकरिंग इन विट्रो का मतलब होता है जो रिएक्शंस लैब में परफॉर्म करवाई जाती है, जो रिएक्शंस लैब में परफॉर्म करवाई जाती है उनको इन विट्रो रिएक्शंस कहते हैं। तो क्या ये लिविंग कैरेक्टर है, ये लिविंग कैरेक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो रिएक्शंस हैं ये लैब में परफॉर्म करवाई जा रही है, ये नॉन लिविंग रिएक्शंस हैं, ठीक है, एक तरीके से। तो आप क्या बोलेंगे, आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है, दैट इज द स्टिमुलस के लिए जो कॉन्शियसनेस ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं, ठीक है। अगला देखिए, Which one of the following is the correct scientific name of wheat derived from the binomial nomenclature? ये क्वेश्चन एम्स से पूछा गया था 2016 में, बताइए। अब इसमें थोड़ा सा आपको नॉलेज का यूज करना पड़ेगा, मैं इसका आंसर देता हूं, अगर जिसको आता है आप बताइए जल्दी से, मैं इसका आंसर करता हूं। आई थिंक ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, या तो फिर मैं तुक्का लगा सकता हूं, तुक्का लगाइए, आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो फिर चल रहा है। ठीक, अंजलि ने आंसर दिया है बी, एंड ओके, नाज ने भी बोला है, ठीक है, डांसर ने भी बोला है, चलिए आंसर करते हैं।
अब देखो, एक है ट्राइटिकम वल्गैरी, ट्राइटिकम एस्टिवम। अच्छा एक चीज देखो, ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है, कॉन्ट्राडिक्टरी। इनको क्या कहा जाता है? कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, मतलब इन दोनों में से एक गलत है एक सही है। कैसे हम समझते हैं? देखो अगर ट्राइटिकम वल्गैरी को बात करते हैं, देखो आ रही है, इसमें गलती दी है बी पे, आप बी को ऑब्जर्व करो, वी यहां पे कैपिटल में लिखा गया है। स्पेसिफिक एपिथेट का जो पहला अल्फाबेट होता है वो कभी भी कैपिटल में नहीं होता है, तो ये तो सरासर गलत है, ठीक है। दूसरा ट्राइटिकम एस्टिवम, ये सही है, ठीक है। वीट का जो साइंटिफिक नेम होता है वो ट्राइटिकम एस्टिवम होता है। अच्छा एक चीज मैं आपको और इसमें इंक्लूड करवाता हूं, ट्राइटिकम वल्गैरी भी आंसर सही हो सकता था, लेकिन अगर वो इसको ऐसा लिखते, अगर वो इसको ट्राइटिकम वल्गैरी में वी को अगर वो छोटा लिखते ना, तो वो भी सही होता, क्योंकि ट्राइटिकम वल्गैरी भी वीट की एक स्पीशीज है जो यूज की जाती है, दोनों वीट की स्पीशीज है, ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट है ओराइजा सटाइवा। ओराइजा सटाइवा ये जनरली हम कहते हैं राइस को कहा जाता है, ठीक है। और जी मेज होता है मेज का साइंटिफिक नेम। तो ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहां पे हो जाएगा दैट इज बी ट्राइटिकम एस्टिकम। इजी क्वेश्चन था। अगला देखिए, Which of the following is less general in characters as compared to genus? जो एनसीईआरटी में दिए हैं ना, सिर्फ उसको याद कर लो, बाकी मैं आपसे कहता हुआ आ रहा हूं, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। इवन ट्राइटिकम एस्टिवम भी आपको मिलेगा आगे एनसीईआरटी में नहीं, ठीक है। ट्राइटिकम एस्टिवम आगे के चैप्टर्स में है, लेकिन वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ट्राइटिकम एस्टिवम बताइए इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टर्स एज कंपेयर टू जीन्स? सीधी बात है, स्पीशीज ही तो होगा, है ना, क्योंकि आपने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी जीनस की, याद है? स्पीशीज से ग्रुप को हम जीनस कहते हैं, एक से ज्यादा स्पीशीज मिलके जीनस बनाती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो स्पीशीज होंगे उसमें थोड़ा लेस कैरेक्टर्स दिखे जाएंगे आप, समझना है। तो डेफिनेशन से ही लॉजिक लगाइए ना कि जो जीनस होता है वो स्पीशीज से मिलकर बना हुआ होता है, तो डायरेक्टली इसका रिलेशन आपको आंसर में स्पीशीज का ही देना था, तो ऑप्शन ए यहां पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, टैक्सोनॉमिक हायरार्की रिफर्स टू, टैक्सोनॉमिक हायरार्की किसे कहते हैं? ये तो एनसीईआरटी की डेफिनेशन उठा के डालिए पूरी पूरी, अब ये नहीं कर पाओगे तो बहुत दिक्कत की बात है। ढंग से देखो सर, एग्जैक्टली एनसीईआरटी के स्टेटमेंट उठा के डाल रहे हैं। ठीक है, दो बच्चों ने आंसर दिया। टैक्सोनॉमिक हायरार्की किसे बोलते हैं? जिसको हम कहते हैं कि जो टैक्सा का अरेंजमेंट होता है ना, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, उसको ही टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहा जाता है। तो पहले ही देखो, पहला ही पॉइंट है, स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ ऑल द कैटेगरीज। ऑल द कैटेगरीज का मतलब स्पीशीज, जीनस, फैमिली, इन सारी, इन सब का एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कहलाता है, ठीक है, ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सही होगा। आगे देखो, अ ग्रुप ऑफ सीनियर टैक्सोनॉमिस्ट, अ ग्रुप ऑफ सीनियर टैक्सोनॉमिस्ट, रियली ये तो कहीं से नहीं मिलता जुलता। अगला देखो, अ लिस्ट ऑफ बॉटनिस्ट और जूलॉजिस्ट, कहीं पढ़ा है ऐसा, कहीं सुना है ऐसा, ये भी गलत है।
क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज बेस्ड ऑन फॉसिल, क्या फॉसिल के ऊपर ही डिपेंड करता है, ये भी सरासर गलत है। तो सीधा आंसर ए का ही था, इसमें कोई दिक्कत का चांस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसको करो। एम्स 2010 का क्वेश्चन करिए। अब ये भी एनसीईआरटी के ही एग्जांपल हैं, जिन्होंने एनसीईआरटी एग्जांपल पढ़े हैं उनके लिए बढ़िया है, जिन्होंने नहीं पढ़े हैं उनको थोड़ी दिक्कतें होंगी। हाँ, कुछ कह सकता हूं आगे की चैप्टर से उठाए गए हैं। ठीक है, कई एग्जांपल इसमें ऐसे हैं जो एनसीईआरटी के हैं, लेकिन वो आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको पढ़ने हैं, तो ट्राई करिए फिर भी इसको, मैं आपको फिर आंसर बताता हूँ। चलिए मैं आंसर देता हूँ, काफी लेट दे रहा हूं। चलिए कई बच्चों ने आंसर दिए हैं, चलो इसको करते हैं। देखो पहला पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस होता है टाइगर, ठीक है, मतलब ए का फोर है। अगर ए का फोर है तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इन दोनों में से ए होगा। मैंजीफेरा इंडिका, ये मैंगो होता है, बी का वर्मन, ठीक है। चलो सी का 55 भी ठीक है, आपको डी और ई देखनी है, सिर्फ आपको डी और ई देखनी है। डी क्या है, अमेरिकाना, जो पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना होता है वो होता है आपका कॉकरोच, क्या होता है कॉकरोच, ठीक है। और जो राना टिग्रीना होता है वो होता है फ्रॉग, राना टिग्रीना क्या होता है फ्रॉग होता है। दैट मींस ई का 2 सी का 3 ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए बढ़िया, सबने आंसर किया है, ओके। चलो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, आज हमने ऑलमोस्ट 13 टू 14 क्वेश्चंस किए हैं, ये सारे नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे और कुछ एम्स के क्वेश्चन थे। इनको देख के आपको आइडिया आ गया होगा कि कितना लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले वीडियो जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम जो आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक हम कल मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे, आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। हाँ, सेकेंड चैप्टर मैंने स्टार्ट कर दिया है नाज, उसका मैंने जो पहला वीडियो है, पहला लेक्चर है वो बना दिया है, आप देख सकते हैं प्रोफाइल में जाके। चलिए लेट्स, ठीक है, कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।